राम राम जी सभी को नमस्ते जय श्री श्याम राधे राधे कैसे हो आप सब आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छे मोह में स्वागत है तो भाई आज है दिन शुक्रवार और इस टाइम पे साढ़े बारह हो गए हैं तो ये बस अपना काम निपटाया क्योंकि प्रमोद और गए थे ना तो थोड़े से लेट हो गए थे वीडियो का काम मेरा ही बनया है और सुमन बैठी हड़ा बाट में नुका थोड़ी सी सूट गाल दोस रहे जाऊँगी वार होगी ना रही है रात न जाके पढ़ूँगी मैं

यो मोई तो लिया तैयार है बाल कटवा के आई भी हो खड़े पर अर्जेंगे तो हम कटवाने को नहीं पाए बेचारे का वो बर्थडे भी चले आ गया बर्थडे पर कटवावांगे बर्थडे पर कटवावांगे सवेरे उठते हैं उनका तब बुआ जी बाल नाई तो ये पर के बैग में मैंने सामान डाल दिया था इतना यहाँ तैयार हो थी और इसने वो सूट पहन लिया था मैरून कलर का जो इसने पहले पहन रखा था आराधे के बर्थडे वाले दिन फिर बोल करके मैंने निकलवा दिया था कि भैया तो उस दिन डाल ही रखा था दूसरा डाल ले और बस मेरी माँ चली गई थी अब नीचे क्योंकि इतना चाट बेना था और मास्टर जी थे नहीं वरना मास्टर जी छोड़ आंदे बाइक पे क्योंकि वो स्कूल में चले गए थे तो मेरी माए बैठा के आवेगी बस मैं और लग जाए ना लगभग तीन घंटे का टाइम तो डेढ़ बजे के आसपास ये यहाँ से चली होगी तो साढ़े चार पाँच बजे के आसपास पास पहुँचेगी और बस बहुत दिनों तक साथ रहे ना बहुत दिनों तक साथ रहे हैं क्योंकि बीस इक्कीस दिन तो हमें हो चुके हैं और उसमें अब सुमन गई है ना एकदम से बहुत अकेलापन फील हो रहा बहुत ही ज़्यादा वरना देर रात तक बैठे रहना ग्यारह ग्यारह बजे तक दिन में भी पता नहीं कई कई घंटे तक हम बैठे रहते थे या फिर सुमन का तो ये होता है अगर मैं कुछ काम भी करती हूँ तो मेरे पास ही बैठी रहती है तो बहुत ज़्यादा अकेला फील हुआ सच बताऊँ दो तीन दिनों से मन भी नहीं लग रहा कोशिश करती हूँ कि अपना मन कहीं ना कहीं लगाने की पर नहीं लग रहा और दो दिन से तो बहुत ही अजीब सा फील हो रखा है घबराहट सी और जैसे ना बैठ कर के रो लूँ ये नहीं होता भाई एक तो होता है ना हमें किसी बात पर ही रोना आता है बिना मतलब के भी हो रखा है कभी कभार मन ठीक होता है जब किसी के साथ बात करती हूँ उस टाइम पे ठीक हो जाता है वापस से फिर ऐसा हो जाता है और कल तो मेरे को ना पूरा दिन ऐसे आवाज़ आती रही जैसे लेडीज़ रोती है ना तो वो रोने की आवाज़ में बार बार मतलब बाहर निकल के देख रही कि कहाँ से आवाज़ आ रही है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था कुछ भी पता नहीं क्यों रखे भगवान सब जगह सुख शांति रखे और एक मुझे ना अब इस महीने में होता ही है जो जो इसका लास्ट आता जाएगा ना मतलब अट्ठारह तारीख तक तो ये तो होता है कि भई इस टाइम पे सुमन भी हर बार आती ही आती है राधा के बर्थडे पे थोड़ा बिजी होते हैं फिर आराध्या के बर्थडे का भी मुझे चा होता है तो नहीं फील होता लेकिन अब बीस इक्कीस तारीख के बाद बाद आगे आगे मेरा मूड ऑफ होता ही जाएगा और दिन में एक दो तो बार तो मैं रो ही लेती हूँ बैठ कर के चाहे मैं कितना ही अपने मन को समझाने की कोशिश के पर रहा नहीं जाता मेरे से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो याद भी आती हैं तो वही माफ़ करिएगा क्योंकि आज के ब्लॉग की एडिटिंग मुझे यही नहीं पता मैं कितनी बार कर चुकी हूँ कितनी बार अब भी मैंने ब्लॉग एडिट करके अपलोड पे लगा दिया था वापस से फिर कैंसिल करके मैं ये व्इश दे रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा मेरी आवाज़ ऐसी आ रही थी मुझे रोना आ रहा था तो फिर वो चीज़ भी मेरे को अच्छी नहीं लगती वो भी मुझे परेशान करेगी दो तीन दिन तक परेशान करेंगी अगर किसी वीडियो में मैं इमोशनल हो जाती हूँ ना वो चीज़ फिर मुझे वैसे परेशान करती है मेरे साथ फिर कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो और ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि कुछ तो अंडियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती फिर वो वॉइस मैसेज भेजेंगी रोती हुई भेजती हूँ वॉइस मैसेज भी तो इसलिए मैंने अपनी सारी आवाज़ कट करके अब मैं दोबारा से वॉइस दे रही हूँ ताकि भई किसी का भी दिल ना दुखे मेरी वजह से और बस कई बार हो जाता है क्योंकि ना आज मेरा ऐसा मन हो रखा था जैसे मैं ना लाइव हूँ बातें करूँ आप लोगों के साथ मेरा थोड़ा सा मन लड़का हो पर फिर भी वो भी नहीं मेरे से आया गया क्योंकि मुझे पता था फिर मैं रोऊंगी क्या फ़ायदा है लाइव आने का और वो मैं करना नहीं चाहती सबके सामने तो बस इसी वजह से जब भी इमोशनल होती हूँ ना व्लॉग एडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन कुछ चीज़ें ना ना चाहते हुए भी हो जाती हैं बस आज वो इशोर करते करते थोड़ा सा ज़्यादा वो तो मुझे पहले ही रखा था फिर लेकिन वो इशोर के टाइम पे ज़्यादा हो गया पर आप लोग भी ना टेंसन मत लेना मैं ठीक हूँ ओके हूँ हो जाता है कई बार क्योंकि ना फिर वही होता मेरे पास फोन मैसेज तो आप खुश रहे और ब्लॉग को एंजॉय करें चलो जाओ बाय टाटा फिर मिलेंगे ना, कड़ा लगाऊ बिठाया मम्मी समझा करो देखो मैंने एक तो घाघरा पहन रखा है <laughs> एक ये जुती फिड्डी मर रही है ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆਂ ਟਵੇੜਵੇਂ ਫਸਾ ਲੈਣੇ ਪਾ ਜ ਜਾ ਫੇਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਹੀ ਕਿਤਨੀ ਆਣ ਲਾਦੀ ਜਬ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਇੱਕ ਬਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਇਸ ਚਲੇਗਾ ਫਦੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਦੇਖੂ ਰਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਲੈਦੀ ਆਰ ਓੜਾ ਦੇਖ ਵਾ ਗੋਸਾ ਵਾਲੀ ਪੈੜੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਓੜਾ ਆਰ ਵਾ ਕੜਾ ਗੇਰਦੀ ਓੜਾ ਦੇਖ ਮੱਤ ਸਾਹ ਜੀ ਇਹ ਇਤਨੀ ਰੋਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਹੈ ਆਰ ਫੇਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਹੈ उपर आवे नीचे जावा रोज का काम डेली रखे है सही तो है पेट में दर्द हो जाएगा इतना रोज ऊपर और हम कपड़े उतारन तो पहले ही आके उतार के आड़े मंजे पे डाल जाऊंगी क्योंकि कल ना फिर आड़े सुखा दूंगी ड्रेस ड्रेस तार ले चल स्कूल में जाना सवेरे हाँ। और नून ने जो सुखा रखे हैं मैं बेड पर सुखा दूंगी तार के आज बेटा तो ये सुमन गई में क्लिप थी उन्नीस तारीख की और ये जो अब क्लिप है ये बाद की हैं शाम का टाइम हो चुका है ये मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि कपड़े धोए थे तो सूखे तो नहीं है मुझे ये था कि मैं यहाँ के जो इस साइड है ना वो यहीं पे डाल के जा ले जाऊँगी दो खाट थी यहाँ पे और जो दूसरी साइड मैंने सुखा रखे हैं वो मैं वहाँ पे बेड पे और सोफ़ों पे डाल दूँगी लेकिन आई थी मेरे साथ में वो अंदर गई तो रूम में साफ था हालांकि अभी दो तीन दिन पहले भी हमने इसकी सफाई की थी मतलब जो सामान था वो बाहर का अंदर रख दिया था जो बाहर निकाला था और यहाँ पे ये देखिए ये जो सांप है ना वो पड़ा मिला तो मास्टर जी तो आज थे नहीं क्योंकि बाहर गए हुए हैं तो मेरे काका को बुलाया फिर और क्या होता है ना भाई ये मिल जाते हैं मजबूरी हो जाती है इनको मारना क्या करें इनका अब तो हम तो ये नहीं कि भी जिंदा पकड़ के छोड़ के आ जाएंगे इतनी तो हिम्मत किसी में नहीं है और ना छोड़ सकते क्योंकि फिर वैसे डर लगता है और इस साइड की तो छोड़ो चलो यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा एक्स्ट्रा सामान रखा होता है, है एक दिन हमारे नए घर के की किचन में बैठा हुआ था वहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया ये सांप आया तो आया कहाँ से थोड़ी देर पहले हमने वहाँ पे खाना बनाया सारे काम किए कुछ भी नहीं था और जाली वाला गेट और शीशे वाला गेट भी हर टाइम बंद रहता है पता नहीं वैसे तो ये बोलते हैं भाई इन्हीं की धरती है देखो इनका तो पता नहीं होता ये तो कहाँ पर निकलिया हुआ है कहाँ पर मिल जाऊँ पर ना कई दिन तक मन में वहम रहा है मैं तो वैसे भी रास्ते में कहीं देख लूँ ना सड़क पर से जाता हुआ तो भी घर पर आने के बाद भी होता है ना बार बार अपने कंबल झड़काना जो भी बिछौने होते हैं वो झड़काना और अब तो घर में मिल जाता है तो कई दिनों तक डर लगता है जब किचन में मिला था ना तब कई दिनों तक ये होता था किचन में जाते ही जैसे सांप ही बैठा है तो कपड़े उतार कर मैं ले आई हूँ और अब जो दूसरी साइड की हैं वो उतारूँगी और इस टाइम पे हमारा जो खाना पीना वो हो चुका था मैं आ गई थी ऊपर यहाँ पे मुझे जो मावा है वो बनने के लिए रखना एक बार तो मैं सोच रही थी कि कल बना लूँगी फिर मैंने सोचा अभी टाइम है अभी रख देती हूँ बनता रहेगा और क्योंकि मुझे जो तिल के लड्डू है ना वो बनाने हैं तो तिल रखे हुए हैं पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था तिल बच गए थे तिल की जब बर्फी बनाई या लड्डू बनाए थे तो वो तिल फिर रखे रहे रखे रहे याद ही नहीं आए फिर संभाले तो वो यूज़ करने के नहीं थे उस टाइम पर तो उनको वैसे ही फेंकना पड़ा तो मैंने सोचा कि इनके साथ भी यही होगा और ये है कि बच्चे खा लेंगे यूज हो जाएंगे और दूध भी जैसे हमने फालतू लेना शुरू कर दिया था कई जने वो रखे थे तो मेरी माँ तो बोल रही थी कि अब बंद कर देंगे बीबीस किस तारीख से लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं माँ इस, इस महीने और ले लेंगे क्योंकि ये है तीन चार दिन का दूध इकट्ठा करके भाई थोड़ा सा मावा निकाल के कभी किसी चीज़ के लड्डू बना दिए जैसे एक तो मैं भुगड़े के बनाने की सोच रही हूँ उसमें तो खैर मावे की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि जो भुगड़े वाले लड्डू हैं ना वो अच्छे लगते हैं और एक तिल वाले लड्डू हैं एक दिन फिर गाजर पाक निकाल दूँगी तीन चार दिन का इकट्ठा करके इनके लिए ये कि भाई सर्दियाँ निकल जाएँगी अब सर्दियों में दूध नहीं है तो ये तो नहीं है कि भाई कुछ खाएँ पियएंगे ही नहीं और दूध तो हो गया था बहुत सारा लेकिन मेरी माँ ने कल दो किलो की तो दही जमा दी मैंने किटली भर के रख रखी थी मेरी माँ ने सोचा कि भाई ये फालतू रखी हुई है और बाद में मैंने देखा पूछा तो बोली मैंने सोचा फालतू दरिया दो तीन दिन का कद वो खराब हो जाए इस करके दही जमा दी थी और फिर सारे ही दही का रायता बना दिया और रायता अब तक भी वैसे ही रखा हुआ है बरी की बरी किटली उसकी तो वो तो बेकार ही गया सारा का सारा क्योंकि मास्टर जी तो पहले सुबह तो ये खा करके ही नहीं जाते फिर आए जल्दबाजी में और फिर वहाँ के लिए निकल लिए तो इस वजह से यही खाते हैं खुश होकर के रायता वगैरह ज़्यादा मैं तो खाती नहीं रायता मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो जितना भी दूध बचा था वो मैंने रख दिया था और नीचे चूल्हा तो अभी गीला है सूखा नहीं है और तो मैंने सोचा कि इसी पे बनाना पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं गैस पे वैसे ये चीज़ें तो चूल्हे पे ही जल्दी बनती हैं तो अब मैं मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद बहुत टाइम हो चुका है और बस मावा मेरा निकलने ही वाला था अब तो और अराधा ने यहाँ पे जैसे डोलू की अडली और एक जो पतीला है वो रखा हुआ था वो साफ़ कर दी है तब तक जो स्लैब है वो साफ़ कर दी थी और बस मैं भी अब मावा उतार करके रख दूँ मतलब तो ज़्यादा मैंने टाइट नहीं किया थोड़ा सा छोड़ दिया था ताकि जब कल को मैं इसको गर्म करूँ ना तो ये आसानी से हो जाए इस टाइम पर बच गए हैं रात के दस और जैसा सो चुका है अम्मा बेटी जा कर रहे मैंने तो अभी वॉइस ओवर की है बस वॉइस कर ओवर करके अभी, अभी अटी थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों के साथ हाई एलो भी हो जाएगी क्योंकि बहुत दिन हो गए ऐसे वीडियो का एंड किए बहुत ही टाइम हो गया शुरू तो फिर भी हो जावा है लेकिन एंड तो बस वैसे ही हुआ है वॉइस ओवर में ही करना पड़ा है और यह बांदरी जाग गया है मेरे गल्ला या जब सोएगी जब मैं सो लूँगी इतना को नहीं सोवा तो मास्टर जी आज है नहीं क्योंकि ना उनको आए थे वो सवा तीन बजे आए थे ना देर वापस स्कूल थे हाँ पूरे सवा तीन हो रहे थे बस आँधे फिर बोले कि मैंने तो दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि उनका फ़ोन आया था पता नहीं मैसेज आया था कि आया था ईसाई कुछ कह रहे थे और वो भी आज थोड़े से दुखी होके गए क्योंकि क्या था ना जैसे वो आए और आते ही एकदम से बोले कि भाई मेरे को तो आज ही जाना पड़ेगा दिल्ली काम से तो मैं उस टाइम पे ना फ़ोन में लग रही थी और मेरा मूड ऑफ था बस मूड ही ऑफ था इसी रीजन से और फ़ोन तो कोई ख़ास बात नहीं थी मैंने मतलब उनकी बात सुन भी ली और रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ भी भाई हाँ आज ही जाना है ये वो वो थोड़ा सा फिर बुरा मान गया उस बात का हालांकि बाद में बहुत गई कि भाई क्योंकि वैसे तो देखो बहुत सारे लोग हैं भाई दिल्ली में जानते हैं जिनको पीछे भी गए थे जब तब हमारे सब्सक्राइबर हैं नीलम चौधरी तो उनके घर पे रहे थे रात में क्योंकि उनका घर वहाँ पे नज़दीक था जहाँ पे जाना था तो वहाँ पे रह गए थे लेकिन हम ऐसे बिल्कुल ही मजबूरी हो तो अलग बात है हम पसंद नहीं करते भी किसी को भी दुखी करना तो देखते हैं वो कहाँ पे रहेंगे शायद गुरुद्वारे में ही रहेंगे क्योंकि वो तो गुरुद्वारे में ही रहना पसंद करते हैं भाई किसी को क्यों दुखी करें और सुबह जाते तो फिर लेट हो जाते तो इस करके उनको अभी जाना पड़ा शाम में ही साढ़े पाँच बजे से ट्रेन थी शायद नरवाना से तो नरवाना तक बस में गए के मोटरसाइकिल पे नरवाना छोड़ के आए फिर मोटरसाइकिल पे अच्छा तो इस करके मुझे ये था कि भाई ट्रेन में भी ठंड वगैरह लगेगी तो कुछ ले जाओ बेड सीट वगैरह गरम और वहाँ पे भी उड़ लियो पर वो थोड़े गुस्से में निकले गए ना खाना खा के गए और उनका गुस्सा सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है मैंने फोन किया ना साढ़े छह बज रहे थे ना बेटा तब मैंने फोन किया मेरे को यह था भाई कहीं अब तक भी नाराज ना हो बिल्कुल ऐसे बोले जैसे उनके कोई बात याद ही नहीं थी कुछ भी नहीं बिल्कुल प्यार था क्योंकि वो ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते उनका ये होता है कि बस जो कहनी है कहनी है बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं और मेरा भी अब यही हो रखा है मतलब अगर मुझे किसी पे गुस्सा आता है ना मन में नहीं रखी जाती ये एक भी बात भाई कई बार होता है किसी के मन में चलती रहती नहीं तब तक चलेंगी तब तक मैं परेशान रहूँगी और बोल बाल के अगले ने और तुरंत न हो जाए थोड़ी देर बाद क्यों बोली बोल देती हूँ फिर पछतावा भी होता है फिर मेरे को अगले पे ही दया आनी शुरू हो जाती है पता नहीं कैसा मन हो रखा है और ये तब होता है तब दिमाग खराब होना और तब कुछ हो जाए उस टाइम पे ही होता है तो बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं भाई बी महीने हो गए देख लो कदे किते कदे किते कदे किते जब जाके किते बात कित आई है दड़े तो हर चीज में है और आज नींद भी औखी आवेगी <laughs> क्योंकि हो यार वेगा कि बार बार सिलेंडर चेक करे जाऊंगी गैस ना चेक करके आऊंगी भाई खुली तो नहीं है दरवाजे ना देखे जाऊंगी बार बार खुला तो नहीं मेरे साथ सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है भाई जब घर पे अब जैसे ऊपर ये नहीं है तो ऊपर का चेक करती फिर जाऊंगी नीचे कई बार मेरी माँ अपने घर पर चली जाओ ना मतलब मामा के चली जाया करें तो हालांकि मेरे काका होते फिर भी मेरे को ये होता है कि बार बार नीचे की गैस देखना वहाँ पे ताला अच्छे त लगा दिया या नहीं लगा दिया मैस ठीक तो बन रही है नहीं बंद रही बार बार मैशें की बेल ना खिंच खिंच के देखना मतलब बहुत वहम है मेरे को इस चीज़ का मेरे को ये होता है कि पीछे से कोई नुकसान ना हो जाए मैं बार बार चीज़ें चेक करती रहती हूँ और लेकिन ये क्या रहा मेरे पास है ना बेटा प्यारी बच्ची है बहुत हेल्प करती मम्मा की है। सारी चीजों में चलो बैठो मेरा दुखी हो रही है तू भी आज क्यों की बात भाई इसने मैं देख थोड़ी इमोशनल हुई तो जद किया अलग ही मैंने इसको दूसरे रूम में भेज दिया था नहीं बेटा सुनी बोलते लड्डू लेकिन फिर भी पता तो चल ही जाता बच्चे को नहीं अब तो मैं हंस हाँ रही हूँ ना अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो बेटा आ जाता किसी किसी टाइम पे मैं अपना मन भी तो बहुत जल्दी समझा लेती हूँ ना है ना स्ट्रोंग बेटी है तो स्ट्रोंग मम्मी की स्ट्रोंग बेटी है। दुखी नहीं होते बेटा ऐसे तो चलो भाई अब इसी वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड फिर मिलेंगे आप लोगों से तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर